उस वक्त कोटा से एक दुखद खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में श्री कृष्ण बिरला ने अंतिम सांस ली। यह दुखद खबर कोटा से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में श्री कृष्ण बिरला ने अंतिम सांस ली। कोटा से संवाददाता भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, बेहद दुखद खबर है, श्री कृष्ण बिरला निधन है। जी बिल्कुल श्वेता, और आप संयोग देखिए कि लंबे अरसे के बाद ओम बिरला खुद गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं, और जैसे वो कोटा पहुंचे, चार दिन के प्रवास पर वो कोटा आए थे, और उनका जो शेड्यूल था उसके मुताबिक बुधवार रात को यानी कल रात को उनको मेवाड़ एक्सप्रेस से वापस दिल्ली जाना था। लेकिन कुछ देर पहले ही फर्स्ट इंडिया ने ये खबर एक्सक्लूसिवली ब्रेक की थी कि ओम बिरला ने जो दिल्ली का अपना प्रोग्राम है वो भी रद्द कर दिया है, और जो उनके कल के कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रम भी उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते रद्द कर दिए हैं। लेकिन आप देखिए कि अपने पिता को खोने के समय ओम बिरला खुद उनके साथ मौजूद रहे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चार दिवसीय विजिट पर जैसे ओम बिरला कोटा पहुंचे, सबसे पहले वो अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जो इटावा के नाव दुखांतिका पीड़ित है, जो नाव हादसा हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, वहां पर वो पहुंचे थे। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि बाप और बेटे का मिलन हो गया अंतिम समय से पहले। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो आमतौर पर दिल्ली में और लोकसभा में बहुत व्यस्त रहते हैं, वो कोटा पहुंचे और पिता से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया, उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनकी तबीयत पूछी, उनके साथ उनके घर पे मौजूद रहे। और इटावा रवाना होने से पहले हमने देखा श्वेता कि उन्होंने कहा कि मेरा जो पैतृक आवास है केतुनीपाल कोटा में भीतरी शहर में, वहां पर मैं जाऊंगा और सबसे पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के फिर कोटा के अपने विजिट को शुरू करूंगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण उनका कह सकते हैं कि ये एक समय है जब वो अपने पिता को खो रहे हैं, लेकिन कम से कम तसल्ली की बात यह है कि उससे पहले वो अंतिम दर्शन उनके कर पाए, उनसे मिल पाए, उनकी कुशलक्षेम पूछ पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। 92 वर्षीय श्री कृष्ण बिरला थे, 5-6 भाई बहनों का ओम बिरला का परिवार है, एक बड़ा सूक्ष्म परिवार है, सारा परिवार अभी भी एक साथ रहता है इस दौर में भी, इस आधुनिक दौर में भी। और श्री कृष्ण बिरला सहकारी सभा समिति नंबर 108 के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं इनकी सहकारिता की जो नींव उन्होंने अपने जीवन में डाली थी और जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए थे, ओम बिरला उनके बेटे जो कि कई बार विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, लोकसभा सदस्य बने और राजस्थान की सरकार में संसदीय सचिव रहने के अलावा भारत सरकार में वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ा आघात ओम बिरला के लिए हम कह सकते हैं कि उनके पिता जिन्होंने अंतिम सांस ली है उनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर एस चारण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल सुबह 8 बजे श्री कृष्ण बिरला का अंतिम संस्कार किया जाएगा।